नमस्कार, वेलकम टू मेजी नसम। आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करने वाला हूँ याटो कंपनी का होल सो, और ये मेटल को होल करने का काम में आता है। और आज मैं इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये बताऊंगा। और सबसे पहले इसमें बहुत सारा साइज आता है, जैसे कि ये 19 mm का है, ये 19 mm से 32 mm के बीच 5 ऐसा आपको होल सो मिल जाएगा। सबसे पहले इसका बिल्ड क्वालिटी आप देख लीजिए, तो ये पहले दिन ही टूट गया था जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था, और इसका जो ड्रिल बिट था वो भी टूट गया था, और मैंने 2 पीस ही यूज़ किया था और ये टूट गया, उसका ड्रिल बिट भी टूट गया जो मेन शाफ्ट था, और होल सो का जो टीथ है वो भी टूट गया। ये बिट को मैंने चेंज किया हुआ है। क्यों टूटा ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि मेरा भी गलती हो सकता है, हाँ, लेकिन इसमें मेरा गलती नहीं था। ये आपको देख रहा है, इसका अलाइनमेंट देखिए आप, सेंटर पे है, लेकिन याटो का ये जो है जो शाफ्ट है वो सेंटर में नहीं है, तो इसीलिए ये क्या करता है, वॉल्विंग करता है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। इसका देखिए, ये भी एकदम सेंटर में है। बाद में मुझे फिर ये सब खरीदना पड़ा। ये जो बोस का है ये बहुत अच्छा है, ये सेंटर में है, ठीक है। और ये 19 mm का है, ये 1 इंच का है, यानी 25 mm। आपको याटो का ये गंदा प्रोडक्ट नहीं लेना है, आपका 700 रुपया ख़राब हो जाएगा। आपको लेना है बोस का या अच्छी कंपनी का। आप इसकी वॉल्विंग देखना, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आप कैसे हिलता है, आप देखिए। जो बड़ा वाला जब मैंने यूज़ किया था, आप देखिए, तो पूरा पिलर ड्रिल मशीन पूरा हिल गया था जब मैं होल कर रहा था। वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डिसअलाइनमेंट है, इसका अलाइनमेंट बहुत ही ख़राब है। आप इसको देखना, ये तो बहुत अच्छा घूमेगा, ये देखिए आप। लेकिन याटो का जो है वो ख़राब है, उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, और इसी वजह से इसका जो शाफ्ट है वो भी टूट गया। आपका जो होल है वो भी एक्यूरेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये हिलता है, हिलने से इसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा। तो ये है आज का रिव्यू। आपको ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना।